आईपीएल 2022 के मैच नंबर 15 में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं दिखा। बल्लेबाजी करते हुए भी टीम ने सिर्फ 149 रन बनाए, जबकि उनके पास 7 विकेट बाकी थे। लेकिन गेंदबाजी के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो आमतौर पर कम होता है। दिल्ली के गेंदबाज एनरिच नौरखिया को बीच ओवर में गेंदबाजी से हटा दिया गया, क्योंकि वो काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। नौरखिया अपना तीसरा ओवर डाल रहे थे। इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई फुल टॉस बॉल फेंकी। गेंद बल्लेबाज की कमर से ऊपर थी और इसे नो बॉल करार दिया गया। इसके बाद अंपायर ने उन्हें गेंदबाजी से ही रोक दिया, क्योंकि नौरखिया ने इससे पहले अपने दूसरे ओवर और लखनऊ की पारी के 14वें ओवर में भी एक बीमर डाला था। एक पारी में दो बीमर डालने के कारण उन्हें गेंदबाजी से रोक दिया गया। आपको बता दें, आईपीएल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी एक गेंदबाज को खतरनाक गेंदबाजी करने की वजह से गेंदबाजी छोड़नी पड़ी थी। आईपीएल 2019 में मोहम्मद सिराज को भी एक पारी में दो बीमर डालने के कारण गेंदबाजी छोड़नी पड़ी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलते हुए सिराज ने उस मैच में दो बीमर डाली थी।